राम राम। मैं सारे ने मैं मोनू रूपगढ़ फिलहाल खटखट टोल पे मौजूद हाँ। उस साइड दिखा दे भाई, जो किसान जन चेतना यात्रा की प्रारंभ के लिए किस बजरंग पुनिया को स्वागत किया गया है और उनके द्वारा ही झंडा दिखाकर यात्रा की शुरुआत की जाएगी। किसान नेता तो आगे आ जाए, कैमरा मैन ने दिखा दे भाई, और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया जो यहाँ पर पहुंचे हैं। जितेंद्र जी, सोम जी, राष्ट्रीय जी और ऐतिहासिक कमेला खास के प्रधान ओम प्रकाश। तो भाई आप देख सकते हैं बिल्कुल सभी किसान सारे आगे आगे आ गए। अभी किसान हमारी जन चेतना यात्रा जो शहीद किसान समर्पित स्थल, ये जो किसान शहीद समर्पित स्थल का अनावरण होगा उसके उपलक्ष्य में ये यात्रा अभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया भाई यात्रा को शुरू कर रहे हैं। बजरंग पुनिया जी और हमारे किसान नेता भाई अभिमन्यु कुमार जी यात्रा का शुभारंभ करेंगे और ये यात्रा अनुशासित तरीके से हर गांव में अपने दस्तक देगी। हर गांव में, हर गली में उन शहीद किसानों को जिनकी बदौलत ये काले कानून वापस हुए। सभी से दोबारा फिर गाड़ियों में बैठ के हम बरसोड़ा गांव में जाएंगे। बरसोड़ा गांव से परियावाड़ा, संगतपुरा, फलालपुरा, गुलाड़ी, शांत, छोटे बड़े आप सभी गाड़ियों में बैठे ये बरसोड़ा गांव के लिए पहले हमारे साथी आगे आगे चलेंगे और फिर सारे पीछे। तो भाई किसानों की यात्रा जो प्रारंभ हो चुकी है भाई, वो दिखा दे भाई, आप सभी किसान अपने जो भी साधन लेके आए हैं वो अपने के लिए निकल चुके हैं भाई। राम राम जी। राम राम, राम। आज अपनी यात्रा कहाँ कहाँ जाएगी और कितनी? आज अपने गांव छह हैं। अच्छा, जैसे बरसोड़ा से शुरू होगी, बरसोड़ा, दरियावाड़ा, संगतपुरा, जुलानी, दोनों जैन, मतलब ये मतलब आज गांव है जी जी। और ये किसान यात्रा जो निकाली जा रही है किस मकसद से निकाली जा रही है? ये किसानों को जगाने के लिए और शहीदी स्मारक जो बनाएंगे उनके यादगार में लोग, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। अच्छा, उनके लिए मतलब हम ये काम कर रहे हैं और किसानों को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि आंदोलन के बाद किसान थोड़े ये थे कि भाई आंदोलन हो गया, नहीं ये जारी है, जब तक MSP नहीं मिलेगा तब तक ये जारी रहेगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई। एक बार बैनर कहूँगा दिखा दे किसानों का, कुल 8 दिन का ये रूट है, 21, 22, 23 को कोई रूट नहीं है, 24 का है, फिर 25 को, 26, 27, 28 लगातार 8 दिन का ये खटखट टोल से चली है। और दूसरे किसान आंदोलन विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये किसानों ने जो ये यात्रा रखी है और बिल्कुल भाई जोर शोर से इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है और बजरंग पुनिया द्वारा इस यात्रा को झंडा दिखाकर शुरुआत की गई है। इधर आ जा भाई, इधर बिल्कुल दिखा दे भाई, चल पड़े है भाई यात्रा, यहाँ से झंडा दिखाकर यात्रा को प्रारंभ किया गया है। बजरंग पुनिया और पहलवान जी के साथ पूरी किसान चल पड़े हैं अपनी यात्रा के लिए। और जय जवान, जय किसान, जय जवान। तो भाई किसान, शहीद किसान समिति स्थल अनावरण, ये देख सकते हैं भाई, बिल्कुल आपने लाइव दिखाने लग रही खटखट टोल प्लाजा से
किसानों की यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है भाई। पीछे तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ किसानों की। बैठ ले। खराब होगी। बजरंग पुनिया जो अपने खटखट टोल पहुंचने पर उसका बहुत जोर जोर स्वागत किया गया और झंडा दिखाकर यात्रा का प्रारंभ बजरंग पुनिया इंटरनेशनल खेड़ा के द्वारा यही किया गया है। और आप देख सकते हैं भाई, एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा इस साइड दिखा दे भाई, जहाँ तक नज़र जा रही किसानों की गाड़ियाँ जो यात्रा में जुड़ने के लिए आई हैं। आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल किसानों ने जो अपनी यात्रा यहाँ से प्रारंभ कर दी है और फिलहाल किसान यात्रा पर निकल चुके हैं। 8 दिन का इनका लगातार दौरा है। उस साइड दिखा दे बजरंग पुनिया जो अपने हाथ में झंडा लेकर खड़े हैं। सभी किसान अपने अपने व्हीकल लेकर यात्रा पे चल पड़े हैं। लगातार 8 दिन की ये यात्रा है। हर दिन हर गांव में लगभग 5 या 6 गांव में ये कवर करेंगे भाई। पहुंचे हो आपने झंडी दिखाई रवाना करें, क्या लगता है? देखो इन लोगों की शहादत में उनकी प्रतिमा बनाने की तैयारी चल रही है। देखो बिल्कुल भाई, जो हमारे जितने भी किसान भाई किसान आंदोलन के टाइम पे शहीद हुए हैं उनको हमेशा उन प्रतिमाओं के वो ऐसा ना लगे उनके परिवार को कि भाई उन्हें याद नहीं किया जाता। वो प्रतिमा बना के जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी वो भी याद रखेगी भाई हाँ इन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया था। और किसान एक ऐसा है जो पूरे देश का पेट भरता है। तो आप इस यात्रा में शामिल रहोगे? बिल्कुल। अच्छा, लगातार चलेगी 7-8 दिन लगातार होगी? नहीं, लगातार तो मैं नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ साथ के साथ। लेकिन हम किसान परिवार से आते हैं तो हमें हमारा भी फर्ज है कि हम जो जब भी सुख दुख है तो हमें किसान परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि एक परिवार है। बिल्कुल, तो हम साथ खड़े हैं हमेशा। जिस तरह खटखट टोल प्लाजा नाम देश में विदेश में चल रहा है उस तरह यहाँ प्रतिमा लगाना अच्छा रहेगा? देखो जो 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 हमारे देश के लिए हमारे किसान कौम के लिए किसी भी मतलब क्षेत्र में अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं और वो उसके लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देते हैं तो उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए इसी रूप में रखते हुए कि भाई उनकी प्रतिमा लगाई जाए और जो आने वाली युवा पीढ़ी है तो उन्हें पता रहे कि भाई हाँ इन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी थी और इसलिए हम उनको हमेशा याद रखें। मतलब जिन्होंने साथ दी थी 19 लोग थे उनकी लगाई जाए और जगह भी लगनी चाहिए क्या? देखो पूरे देश में होना चाहिए, जितने भी 750 किसान हमारे शहीद हुए थे उसमें लगभग, तो मुझे लगता है कि हर जिस जिले के हैं तो ये खटखट टोल से पहल हुई है तो मुझे लगता है कि पूरे देश में एक चिंगारी बनेगी और पूरे देश में जितने भी हमारे किसान भाई शहीद हुए थे उन सब की प्रतिमा मिलेगी। यही बोलेंगे कि भाई सब आप लोग भी हम तो सब खाते हैं और किसान ही पैदा करता है हमको, तो आप लोग भी आगे आइए क्यों, ऐसा कोई भी नहीं है जो अन्न नहीं खाता हुआ, तो उन सबको आगे आना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।